नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्फी मिरर, हर पल आपके साथ। विधानसभा को गांधी के नाम से जाने जाने के लिए और विधानसभा में भेजने का काम करें, चाहे धन्यवाद भाई रामप्रीत यादव जी। जलेश्वर महतो जी एवं सभी गठबंधन 10 रुपये में साड़ी और 10 रुपये में लुंगी देते थे। बागमारा की धरती इनका ऋणी है जिन्होंने जलेश्वर भाई को अपनी शुभकामना। नीरज साहू जी हम लोगों के बीच में है, इन लोगों के साथ शुभनाम पर विधायक ढुल्लू महतो आदमखोर, टाइगर जो बोलते हैं वो आदमखोर है, मैं उसी से लड़ रही हूँ। वो महिला जो आपके एक आस के 16 तारीख को मैं आपसे आशीर्वाद मांगूंगी कि यहाँ से एक अच्छे व्यक्ति को चुने, पिता समान हमारे जलेश्वर महतो जी हैं, उनको भारे महतो से आप विजय बनाए और बागमारा से उनको पूरा विश्वास हो रहा है कि उनको विजय मिलेगा। और मैं इन चंद बातों को रखकर मंत्री पूर्व मंत्री सरदेलाल साहब इस मंच पर, यादव जी, शकील भाई एवं सभी सम्मानित, वो बद से बदतर हो गई है जिस बागमारा को विधायक काल में बागमारा प्रखंड को गांधी प्रखंड से सम्मानित किया गया। उनको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो, एक बार सब को हाथ उठा के बोलिए लोगों का बहुत बड़ा सहयोग हमारे मान्य, इसमें किसी तरह मत रही है। धन्यवाद पंडित जी, आप शंकर चौहान पूर्व मुखिया। भाई रामप्रीत यादव जी को किया है और संबोधित करते हैं एयरपोर्ट के द्वारा, उनको रामप्रीत जी के काम करेंगे और हमारे प्रतिनिधि लोगों को अंधेरे में रखोगे, कहोगे कुछ और होगा कुछ और। आज कोई भी सवाल उनसे किया जाता है, शरद पवार साहब जिनको चाणक्य कहा जाता है हिंदुस्तान का आज के दिन, ऐसे शरद पवार साहब ने कहा था कि हमारे मित्र जो है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनसे कोई सवाल करो वो एक ही जवाब देते हैं, धारा 370 हटा दिया। अरे आपसे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे धारा 370 हटा दिया, आपसे कहा जा रहा है नौकरी नहीं है, आर्थिक मंदी है, लोग बदहाल है। करूर में एक तुगलकी फरमान जारी किया और अचानक नोटबंदी कर दी। नोटबंदी की घोषणा जिस केंद्र सरकार ने की और जिसकी साथी सरकार हमारे अपने झारखंड में रही, किसी ने ये सोचा नहीं, किसी ने समझाने बुझाने की कोशिश नहीं की कि नोटबंदी की उसका क्या असर पड़ेगा। आज हमारे युवाओं में बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, उसके बाद जब नोटबंदी की घोषणा हुई तो सारे बेरोजगार युवा पीढ़ी ध्वस्त हो गई। हमारे किसान, हमारे व्यापारी, हमारे दुकानदार, हमारे छोटे छोटे उद्योग वाले सारे चौपट हो गए, बर्बादी के कगार पे आ गए। लोग लाइनों में लगने लगे अपने ही पैसे को निकालने के लिए, लाइनों में मरने लगे। इतनी प्रताड़ना हुई, किसी से राय मशवरा किया नहीं,
बगैर पूछे हुए नोटबंदी कर दी और ये भी नहीं सोचा कि हमारे अपने घर की महिलाएं सालों साल पिता से या पति से भी छुपाकर मगर अच्छी नीयत से उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं की पढ़ाई लिखाई के लिए, घर के किसी इमरजेंसी के लिए